कन्नौज पंचायत कर्मियों की 22 जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन रविवार को भी जारी रही। जनपद पंचायत प्रांगण में हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में समस्त विकास कार्य बंद पड़े हैं एवं ग्रामीण विकासजनों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौथे दिन रविवार को संयुक्त मोर्चा द्वारा धरना स्थल पर मोर्चा संयोजक BS पुरवरिया के नेतृत्व में विधायक आशीष शर्मा को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर समस्त मांगों को संबंध विस्तार से बताया। वहीं विधायक शर्मा द्वारा ज्ञापन स्वीकार कर समस्त कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन देते हुए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि हमारे काम नहीं करने से विकास के भी काम तो ठप होते ही हैं, साथ ही इससे जनहित के काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। इधर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी प्रवीण अग्रवाल द्वारा बताया गया कि पहले भी प्रदेश स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रमुख रूप से संविदा कर्मियों एवं नियमितीकरण छठे एवं सातवें वेतनमान आदि मांगे हड़ताल समाप्ति का निर्णय लिया गया, परंतु शासन द्वारा आश्वासन उपरांत कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। इसलिए इस बार प्रदेश स्तर के निर्णय आने पर एवं शासन द्वारा मांगों के समर्थन के आदेश जारी होने पर ही हड़ताल समाप्त करने की चेतावनी दी। हड़ताल में 85 पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद के कर्मचारी गण उपस्थित थे। ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा मुझे मध्य प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया गया था। आपकी जो प्रमुख 6-7 मांगे हैं उसके कारण मध्य प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा विभाग के कर्मचारियों का कहना है। ग्रामों में इतना अच्छा विकास कार्य आज दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों की मेहनत और सेवाओं की बदौलत ही है, और इसलिए सेवा शर्तों में और सेवा नियमों में अगर आपके लिए कुछ प्रावधान सरकार को करना पड़ेंगे तो उसके लिए हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में आपके विषय को मध्य प्रदेश की सरकार तक अनिवार्य रूप से पहुँचाएंगे। चालू हुई थी आज हमारी हड़ताल लगातार, तीसरे दिन चौथे दिन तक भी हमारी हड़ताल जारी है। अभी हमने वर्तमान में माननीय विधायक महोदय को हमारी मांगों से अवगत कराया और शासन स्तर पर हमारी मांगों को पहुंचाने के लिए उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया है। माननीय विधायक महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वो सकारात्मक रूप से हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे। साथ में माननीय विधायक जी ने यह भी कहा है कि आप अविलंब हड़ताल समाप्त करें क्योंकि जनहित के कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय विधायक महोदय और मध्य प्रदेश शासन से कहना चाहूँगा कि चूँकि हमने 12 जुलाई को एक आवेदन पत्र जो दिया था उसमें हमने 7 दिवस का समय शासन को दिया था, उस 7 दिवस के समय में भी शासन ने हमारे साथ कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बार किसी भी प्रकार के आदेश जारी हुए बिना हड़ताल किसी भी प्रकार की स्थिति में स्थगित नहीं हो रही है। कन्नौज से चंचल भारती की रिपोर्ट।